हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड्स सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है थ्योरम ऑन सीक्वेंसेस। फर्स्ट थ्योरम है एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज बाउंडेड। एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? हम कर रहे हैं लेट एस एन बी ए सीक्वेंस विच कन्वर्जेंस टू एल, विच कन्वर्जेंस टू एल, यानी कि हमने एक सीक्वेंस एस एन लिया जो कि कन्वर्जेंस टू एल है। तो आप जानते हैं कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में क्या है, लेकिन हम एक पहले एप्सिलॉन की वैल्यू मान लेते हैं। अभी तक हम ग्रेटर देन जीरो मानते थे, अब हम मान रहे हैं वन। तो अगर कन्वर्जेंस टू एल है तो हम क्या लिखते हैं, एस एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमने क्या लिया है, वन, फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिये अगर हम ये लिख देते हैं तो इस तरीके से हम भी लिख सकते हैं, एस माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एस एन इज लेस देन एल प्लस एस एल। लेकिन हमने एस एल एन की जगह क्या लिया है, वन लिया है, तो यहाँ पर आपका वन हो गया और यहाँ भी आपका क्या हो गया, वन हो गया, फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब हमें क्योंकि लेना है इसमें से के इज इक्वल टू मिनिमम, देखिये स्मॉल के को लिया हमने, मिनिमम ऑफ एस वन एस टू सो ऑन, दो लेंगे लिमिट, एक तो अपर लिमिट एक लोअर लिमिट, यानी कि के की वैल्यू हमने लोअर लिमिट ली है, मिनिमम ऑफ एस वन एस टू एस वन, यानी कि एस एम माइनस वन कॉमा एल माइनस वन। इसी तरीके से कैपिटल के यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम इज इक्वल टू एस वन एस टू सो ऑन एस एम माइनस वन एंड एल प्लस वन। एल प्लस वन क्यों लिया, क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू लेनी है। यानी कि अब मैं अगर इसमें से देखूं करेक्ट करके, तो हमारा क्या कहां तक बन जाएगा, के से लेकर एस एन की वैल्यू कहां तक, कैपिटल के तक, फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यानी कि मैं कह सकती हूं कि हमारा क्या है, एस एन बाउंडेड है के और के के बीच में। हम कहते हैं तो सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड। ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई। ओके, अब लेते हैं हम सेकेंड थ्योरम, देख लेते हैं इसका प्रूफ भी। इफ द सीक्वेंस एस टू एन माइनस वन एंड एस टू एन ऑफ द सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेंस टू द सेम लिमिट एल, देन क्या हो जाएगा, सीक्वेंस एस एन भी कन्वर्जेंस होगा एल के। यानी कि एस टू एन माइनस और एस टू एन ये अगर कन्वर्जेंस है सेम लिमिट एल में, तो हमारा एस एन भी कन्वर्जेंस होगा एल में। तो हम पहले डेफिनेशन में देखते हैं, पहले तो मानते हैं एफ साइलन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और क्या कहेंगे कि हमारा यहां पर क्या होगा, एस टू एन माइनस वन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। क्यों होगा, क्योंकि हम यहां पर एग्जिस्ट करा रहे हैं एक पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम वन, ठीक है, और ये किस में बिलोंग कर रहा है, एन में, सच दैट, ऐसे लिखेंगे सच दैट, ये क्या हो जाएगा आपका कन्वर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस है। अब हम सिमिलरली दूसरा भी मान लेते हैं, इसमें भी ये लिखेंगे, यहाँ पॉइंट मान लेते हैं एम टू के लिए, ठीक है, एम टू के लिए। तो एस टू एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, किसके लिए, फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम टू। अब हम मैक्सिमम और मिनिमम छाटेंगे जैसे अभी हमने किया था। अब हम लेते हैं मैक्सिमम, यानी कि एम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एम वन कॉमा एम टू। तो इसमें मैं मैक्सिमम एम टू लेंगे, तो यानी कि एस टू एन माइनस वन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, और किसमें से, एस टू एन माइनस एल से लेस देन एप्सिलॉन तक, फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। तो देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो बीच वाली वैल्यू भी अपने आप ये कन्वर्जेंस हो जाएगी एप्सिलॉन के, फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू एम माइनस वन के लिए। तो हम कह सकते हैं एस एन हमारा कन्वर्जेंस है एल के, ठीक है, क्योंकि एस एन माइनस एल ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो ऑब्वियसली एस एन माइनस एल भी छोटा होगा, ये कन्वर्जेंस है। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम कौन सी है। अब हमने थ्योरम ली है किसकी, डायवर्जेंट की। अभी तक हमने दो थ्योरम करी थी कन्वर्जेंट की, अब हम दो थ्योरम करेंगे डायवर्जेंट की। मैंने ली है इफ द सीक्वेंस एस एन एंड टी एन डायवर्ज टू इन्फिनिटी, देन इनका सम और इनकी मल्टीप्लीकेशन भी डायवर्ज होगी इन्फिनिटी की। तो कैसे शुरू करते हैं, हम कंसिडर करते हैं के इज ग्रेटर देन जीरो, कंसिडर क्या करा, के इज ग्रेटर देन जीरो। तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो सीक्वेंस एस एन है
वो डाइवर्स है टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी कि किसके लिए, फॉर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्यों के की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होती बढ़ती जाएगी क्योंकि वो इन्फिनिटी तक डाइवर्स है। हम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम वन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि तो जो एस एन की वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होगी किससे, के से बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि हमारा ये डाइवर्ज है इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। अगेन हम क्या कह रहे हैं, टी एन हमारा डाइवर्ज है, ठीक है, टू इन्फिनिटी। तो हम सेम पूरी डेफिनेशन लेकर एम टू पॉइंट एग्जिस्ट कराएंगे और यहां लिख देंगे एस एन, सॉरी टी एन ले रहे हैं तो क्या लेंगे, टी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। यहां पे हम एक एग्जिस्ट पॉइंट करा रहे हैं, कौन सा वाला, वन करा रहे हैं, ठीक है, के की जगह हम क्या करा रहे हैं, वन पॉइंट करा रहे हैं, तो टी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। फिर से वही है, एम की वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे मैक्सिमम ऑफ एम वन कॉमा एम टू तक, यानी कि अब पहले तो मैं सम दिखा देती हूं, क्या जो एस एन प्लस टी एन को लेकर चलते हैं, यानी कि एस एन की वैल्यू क्या थी, के, और टी एन की वैल्यू क्या थी, वन, ओके। तो ये के प्लस वन हमेशा बड़ा किससे होगा, के से होगा फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम तक, ठीक है। तो जब बड़ा ही है हर बार बड़ा हो रहा, के प्लस वन से भी बड़ा होगा, के से भी बड़ा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं जो एस एन प्लस टी एन होगा वो डाइवर्स क्या होगा, इन्फिनिटी तक हो जाएगा, डाइवर्स टू इन्फिनिटी। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन को, एस एन एंड टी एन देख लेते हैं, एस एन टी एन ग्रेटर देन किससे होगा, के, एस एन की वैल्यू के है और इसकी वैल्यू वन होगी, यानी कि के से एस एन और टी एन, तो यानी कि ये भी हमेशा बड़ा होगा, तो हम कह सकते हैं एस एन और टी एन भी डाइवर्जेस है टू इन्फिनिटी तक, यानी कि दोनों प्रूफ हो गए। एक थ्योरम और कर लेते हैं, देखिए ऊपर वाली थ्योरम और इस थ्योरम में क्या डिफरेंस है, हमने वहां कहा था अगर एस एन डाइवर्ज है इन्फिनिटी के, टी एन डाइवर्ज है इन्फिनिटी के, तो एस एन और टी एन भी डाइवर्ज है इन्फिनिटी के, लेकिन यहाँ क्या है, एस एन डाइवर्ज है इन्फिनिटी के, टी एन बाउंडेड है, तो एस एन प्लस टी एन को डाइवर्स दिखाना हमें इन्फिनिटी के, ये हमें चीज दिखानी है। तो सबसे पहले तो हम क्या दिखाएंगे कि सपोज करो हमारा टी एन क्या है, सपोज नहीं, ये गिवन है, टी एन इज बाउंडेड, अगर बाउंडेड है यानी कि वो कन्वर्ज है, कन्वर्ज है तो हम यानी कि डेफिनेशन में दिखा देंगे टी एन की जो वैल्यू है वो हमारी छोटी है के वन से, जहां हमने दिखा देंगे बाउंडेड है एंड दे आर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर क्या, के वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सच दैट टी एन इज लेस देन इक्वल टू के वन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन, सॉरी एन इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन, वही जो हम लिखते हुए आए हैं कि अगर बाउंडेड है तो कन्वर्स होगी, ठीक है। अब हम दिखाते हैं कि हमारा जो एस एन है वो डाइवर्ज है किसके, इन्फिनिटी के, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी फॉर किसके लिए, के लिए, के ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो हमसे फिर से एक एग्जिस्ट करेगा पॉइंट क्या, एम, जो कि बिलोंग्स करता है एन में, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि डाइवर्ज है तो हमेशा एस एन क्या हो जाएगा, बड़ा होगा किससे, के से और के वन दोनों से, के और के वन दोनों है, यानी कि फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे, अब मैं किसका दिखाऊंगी, एस एन प्लस टी एन का, ये हटा देंगे अभी सीक्वेंस का, तो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, एस एन माइनस मॉड टी एन, मॉड टी एन क्यों लिखा, इसका पॉजिटिव हमने बाहर ले लिया और अंदर इसको यहां पर लिख दिया, तो यानी कि लेस देन एस एन की वैल्यू क्या थी, के प्लस के वन, और टी एन की वैल्यू कितनी है, के वन, दोनों कैंसिल हो गए यानी कि बच गया के वन, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया के वन के, यानी कि डाइवर्स टू क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ये देखिए ये हमारी लास्ट थ्योरम है, उसके बाद हम जो कल लेकर आएंगे वो मोनोटोनिक सीक्वेंस के लिए कराएंगे थ्योरम, छोटी छोटी थ्योरम है तो केवल हमें डिस्कस करना है। ये हमारी लास्ट थ्योरम है, हमने गिवन है एस एन इज इक्वल टू एल, एल लिमिट एंड टी एन इज इक्वल टू एल डैश गिवन, यहाँ लिमिट्स है, तो लिमिट एस एन और टी एन की वैल्यू एल एल डैश के बराबर आती है, ये हमें प्रूव करनी है। तो देखिये कैसे प्रूव करते हैं, सिंपल सी बात है, हमें गिवन है, पहले तो हम एप्सिलॉन को ग्रेटर देन जीरो दिखा देते हैं, हमें गिवन है एस एन इज इक्वल टू एल गिवन है, तो हम सीधा सिंपल क्या लिखेंगे, पहले तो मैं सिंपल ये वाली लेकर चल रही हूँ, इस चीज से प्रूव करेंगे, इस चीज से प्रूव करने का मतलब है एस एन टी एन माइनस एल एल डैश, ये हमने लिया, अब हम इसी के साथ ही प्रूव करेंगे। हमने क्या करा, इसको लिख दिया किसके बराबर, एस एन टी एन माइनस एल
टीएन, मैंने एलटीएन जोड़ दिया और एलटीएन घटा दिया, ठीक है, बस मैंने यही काम करा है एल डैश। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, यानी कि अब मैं अलग अलग लिखूंगी, क्या टीएन को मैंने कॉमन ले लिया, एस एन माइनस एल बच गया। देखिए मैंने केवल क्या है एलटीएन जोड़ा है, एलटीएन घटाया है, मैंने इन दोनों में से टीएन कॉमन ले लिया तो एस एन माइनस एल हो गया, इसमें से मैंने क्या करा एल कॉमन ले लिया तो टीएन माइनस एल डैश हो गया, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब हमें क्या करना है कि इसको अलग अलग यानी कि ट्रायंगल इनइक्वालिटीज के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये टीएन हो गया एस एन माइनस एल यानी कि यहां पर हो गया, प्लस ये एल के बराबर यानी कि एल हो गया, और टीएन माइनस एल डैश यानी कि ये हो गया। अब इसको किस तरीके से लिखना है, यानी कि इक्वल टू करके, इक्वल टू टीएन ये एस एन माइनस एल प्लस मॉड एल लिख दिया और इसको हो गया टीएन माइनस एल डैश। ये हमारी इक्वेशन वन मान ली हमने, तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, इस पेन से कंप्लीट कर देती हूँ। हम कह रहे हैं कि टीएन जो हमारा है वो कन्वर्जेंस है, किसके कन्वर्जेंट है, तो ये अगर कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियसली क्या हुआ, बाउंडेड हुआ, देन बाउंडेड, अगर बाउंडेड है तो एक रियल पॉजिटिव नंबर हमने एग्जिस्ट करा दिया, कौन सा के, तो हम टीएन क्या हो गया लेस देन इक्वल टू के हो गया फॉर एवरी एन इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन के। सेम हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा एस एन और टीएन दोनों बोथ कन्वर्जेंट है, दोनों कन्वर्जेंस हैं, तो हम क्या करेंगे एक एग्जिस्ट पॉइंट करा देंगे किसके लिए, एक एम वन और एक एम टू, दोनों पॉइंट एग्जिस्ट करा दिए। इन पॉइंट को एग्जिस्ट कराने का मतलब क्या हो गया, यानी कि हम एक बार एस एन माइनस एल ले रहे हैं, ठीक है, क्या किसके लेस देन एप्सिलॉन अपॉन टू के फॉर एवरी एन एस ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन के। एक बार हम टीएन के लिए ले रहे हैं, टीएन माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन टू, देखिए मैं इसे मॉड एल क्यों लूंगी मैं अभी बताती हूँ, ये वन फॉर एवरी एन एस ग्रेटर देन इक्वल टू एम टू। मैंने ये केस ले लिया क्योंकि जो हमारी एस एन की वैल्यू होती है वो के वाले के लगभग बराबर है, और यहाँ पर जो आया है मेरा एल आया है, इसलिए मैंने ये सब फिनिश करने के लिए यहाँ पर इस फॉर्म में लिया, क्योंकि इसमें तो एप्सिलॉन लेना था, एप्सिलॉन में कोई सी वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं। अब हमें लेना है एम की वैल्यू मैक्सिमम ऑफ एम वन कॉमा एम टू, यानी कि जो इक्वेशन टू थी ये, इक्वेशन थ्री थी ये, और इक्वेशन वन कौन सी थी ये वाली, इन तीनों के हिसाब से। तो मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पर, तीनों के हिसाब से मैंने क्या करा यहाँ पर एस एन टी एन माइनस एल एल डैश, इसकी वैल्यू देखे यहाँ तो मैं पुट करूंगी टीएन और एस एन माइनस एल की, टीएन की वैल्यू क्या थी के, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ के लिया था, और एस एन माइनस एल की वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन अपॉन टू के, और इसी तरीके से बीच में प्लस एल डैश प्लस मॉड एल, और इसकी वैल्यू क्या हो गई इंटू एप्सिलॉन टू मॉड एल प्लस वन। अब देखिए अगर मैं इसको फिनिश करूंगी तो ये हो गया, और इस अगर वन को मैं इग्नोर कर दूं तो ये कट गया, यानी कि एप्सिलॉन बाई टू, एप्सिलॉन बाई टू, यानी कि क्या बन गया एप्सिलॉन बाई टू, एप्सिलॉन बाई टू, यानी कि एप्सिलॉन, और यानी कि एप्सिलॉन हो गया इन ये चीज जो हो गई वो छोटी हो गई एप्सिलॉन से, तो ऑब्वियसली क्या हो गई कन्वर्जेंट हो गई, यानी कि हम कह सकते हैं लिमिट एस एन टी एन इज इक्वल टू एल एल डैश। आई होप आज की थ्योरम आपको पसंद आई होगी, हम कल जो कराएंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस की बहुत सारी थ्योरम करा देंगे और आगे के चैप्टर लेके चलेंगे। वीडियो देखते रहिएगा, अगर आपको कुछ और पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिएगा। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, थैंक यू सो मच।